नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे इंडियन नेवी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको नंबर वन वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान है, जब भी आप सरकारी रिजल्ट लिखे लास्ट में डॉट कॉम जरूर चेक करें, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत ही फेक वेबसाइटें आ गई हैं। उस समय आपको देखना है कि सरकारी रिजल्ट खोलना है, जो भी इंडियन आर्मी का लेटेस्ट फॉर्म चल रहा हो उस पर आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पे डन करना है। दोस्तों या तो एक और नंबर वन वेबसाइट है जिसका नाम है रोजगार रिजल्ट डॉट कॉम। दोस्तों ये दोनों वेबसाइट बिल्कुल ट्रस्टेबल है, जेन्युइन है, सारे कंटेंट सारी चीज़ें सब सही मिलेंगी इसमें, कोई भी फेक फॉर्म वगैरह नहीं मिलेगा इसमें आपको। रिजल्ट, एडमिट कार्ड, यहाँ तक कि आर्मी भारतीय सेना के जितने भी फॉर्म आते हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा रैली भर्ती आती है, उसको आप ज्वाइन इंडियन नेवी की आर्मी की साइड से डायरेक्ट भी भर सकते हैं और यहाँ से भी भर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब आपको हम प्रोसीजर बताएंगे पूरा पूरा कि आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना और सबमिट पे क्लिक करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, जैसे आप सबमिट करेंगे उस पर आज आपके पास एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ डालना है और फिर इस तरह कैप्चा डालकर और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, आप देखते जाइए। दोस्तों ये देखिए ओटीपी पासवर्ड मेरे मोबाइल ईमेल आईडी पे आ गया। हो सकता हो कभी कभी दोस्तों सर्वर वगैरह बिजी रहता है तो आपको आने में थोड़ा समय लगता है, मान लीजिए काफ़ी देर वेट करने के बाद भी नहीं आ सकता। आप अपने स्पैम फोल्डर, जंक फोल्डर पे भी चेक कर लीजिए, अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं आया तो यहाँ पे आप अगेन जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते मैंने आपका एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको और डिटेल्स भरनी है। जैसे यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, मैरिटल स्टेटस डालना है, नेक्स्ट में यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपने आधार नेम वगैरह फिंगरप्रिंट के लिए क्वेश्चन जो दे रहा है वो आपको डालना है, एक फॉरगेट पासवर्ड के लिए। चलिए मैं निकनेम डाल देता हूँ, जिसे आप पासवर्ड अगर भूल जाए तो उससे रिकवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला आपका पूछ रहा है। दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हाई स्कूल का अपना बोर्ड चूज करना है। सपोज जैसे आपने बिहार बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया, एमपी बोर्ड से किया है, मतलब सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल और अदर छोड़ के किया स्टेट बोर्ड से, तो आप स्टेट बोर्ड क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपने जिस भी स्टेट से पास आउट किया उसका स्टेट डालिए। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। नेक्स्ट आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो डालनी, जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको पास और अपीयरिंग देना है। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट की डेट देनी है, मतलब कि अगर आप अभ्यर्थियों के लिए योग्यता। दोस्तों ये है डेट ऑफ इनरोलमेंट यानी पंजीकृत होने की तिथि, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो मत डालिए। दोस्तों अगले पे हम आते हैं, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी। अब यहाँ पे आपको नेवी के लिए मतलब आर्मी के लिए पासवर्ड जनरेट करना है जो कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। जैसे आप अपने पहला लेटर ले सकते हैं, उसके सारा स्मॉल लेटर फिर एट द रेट 123 इस तरीके से करके लगा सकते हैं, या कोई और आपको पासवर्ड देना हो जिसमें कैप्टन स्मॉल स्पेशल करेक्टर सब आता हो उस पर आप कर लीजिए। उसके यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं सेव करता हूँ। दोस्तों देखिए सेव करते ही मेरी प्रोफाइल पूरी खुल के आ गई है। अब हमको बाकी के जो ये सब स्टेटस आपको दिख रहा है, माई प्रोफाइल, कम्युनिकेशन डिटेल, ये सब कम्प्लीट करना है, फोटो लगाना है। चलिए दोस्तों पूरी प्रोफाइल कम्प्लीट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स पे। कम्युनिकेशन डिटेल्स में हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, पूरा एड्रेस आपका जो हो वो डाल दीजिएगा। मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे आपको अपना सिटी को जो है चूज करना है। नेक्स्ट आपको अपना स्टेट चूज करना है। यहाँ पे आपको फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट दे रहा है वो चूज करना है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक करना है। दोस्तों सारी डिटेल्स चेक करते चलिएगा। ये देखिए दोस्तों जब आपका डिटेल सेव हो जाएगा तो इस तरह मैसेज देगा आपको, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं, फिर दोबारा माय प्रोफाइल पे चले। दोस्तों दोबारा आपको अपने पर्सनल प्रोफाइल पे आना। यहाँ देखिए आपको ऑरेंज कलर का अपडेट का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके प्रोफाइल को पूरी अपडेट करना है। चलिए दोस्तों अपडेट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अपडेट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो है 5 से 20 KB होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 5 से 10 KB के बीच होना चाहिए। सही, चलिए दोस्तों लगाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए फोटो और सिग्नेचर हमारा लग चुका है अच्छी तरीके से। अब हमको नीचे आना है। दोस्तों नीचे आएंगे आपको कैप्चा दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहाँ सेव पे दोबारा क्लिक करना है। चलिए दोस्तों सेव करते हैं। दोस्तों ये देखिए अब हम आपको दिखाए हमारे प्रोफाइल पूरी अपडेट हो गई है, फोटो वगैरह शो करने लग गई। इसका मतलब आपकी इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब जो भी फॉर्म आएंगे वो आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, और जो फॉर्म आप अप्लाई कर चुके हो उसको आपको हिस्ट्री में जाके चेक करना है।
आप यहाँ से SSB की डिटेल्स भी देख सकते हैं, अपना आधार वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करके दिखाते हैं अप्लाई ऑनलाइन आपको। ये देखिए दोस्तों इस समय एलिजिबिलिटी के अनुसार हमारे पास जो फॉर्म आ रहा है वो देखिए दे रहा है इंडियन आर्मी TES 10+2 का। इसी तरह फॉर्म आते रहते हैं, आप अगर एलिजिबल है उसके लिए तो यहाँ से सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वीडियो हम आपको बहुत ही जल्द करेंगे अप्लाई, क्योंकि इसकी जैसे जैसे फॉर्म आते हैं इसकी वीडियो अलग करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन की कॉमन वीडियो है, अगर आपको इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का कोई भी फॉर्म भरना हो तो आपको ये वीडियो की बहुत ही लाभकारी है। आप इसको एडिट कर सकते हैं एनी टाइम, यहाँ माई प्रोफाइल में जाइए एडिट कर लीजिए। अगर आप अपना डिटेल्स भूल गए हैं तो डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।